हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं प्रोडक्ट रिलेटेड रिव्यू वीडियोस बनाती हूँ। तो ये जो प्रोडक्ट्स आपको सामने दिख रहे हैं, ये मैं फेंकने वाली हूँ, क्योंकि और या तो खत्म हो गए हैं या तो मैंने काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ, एक्सपायर हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊंगी, जल्दी जल्दी फटाफट बताऊंगी। इनके सिंगल सिंगल रिव्यूज भी आपको मेरे चैनल में प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स की बात करती हूँ, जो मेरे फेवरेट हैं। तो ये है कलबा का बीबी क्रीम। ये आपको इसका प्राइस सब कुछ मिल चुका है, आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो, बट ये मेरा फेवरेट है। इसे मैंने 3 साल पहले लिया था, उस टाइम ये मेरा फेवरेट बीबी क्रीम हुआ करता था। आप पक्का से ट्राई करना, ये काफ़ी अच्छा है। सेकंड मैं बात करने वाली हूँ इसकी, ये Pout 2 है। ये मेरी लाइफ का पहला लिपस्टिक है जो मैंने 3 साल पहले लिया था, मेबलिन का। ये भी काफ़ी अच्छा था। ये है हिमालय, ये आजकल भी अभी मिल रहा होगा, ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ था। ये भी काफ़ी इफेक्टिव है, ये ऑल स्किन टाइप है, लेकिन इसका SPF कम है। और इसके बारे में आप डिटेल रिव्यू आप मेरे चैनल में देख सकते हो। और मेरे दो फेवरेट परफ्यूम W2 में अगर एक बोलूँगी तो W2 मेरा फेवरेट है, आप इसे ट्राई करना, बहुत बहुत अच्छा है। फिर है कामा आयुर्वेदा, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन हाँ इसमें आपको इफेक्ट नज़र आएगा, लेकिन अगर आप इसे वीक में 2 या 3 बार यूज़ करोगे तब। इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन मुझे इसे आदत हो गई थी स्मेल की। इसका प्राइस आपको 500 से ऊपर पड़ेगा और इसमें कोई ऑफ नहीं होता है। उसके बाद ये मेरा फेवरेट मेबलिन का, सब आपका फेवरेट होगा, ये भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसका भी आपको चैनल में रिव्यू मिल जाएगा। VLCC का ये क्लियर टैन फ्रूट पैक, ये आपका 195 का है, शेल्फ लाइफ 3 साल थी। इसमें मैंने यूज़ उतना नहीं किया था, लेकिन इफ़ेक्ट दिखाया था। अगर आप इसे वीक में 2-3 बार यूज़ करोगे तो आपको पक्का इफेक्ट नज़र आएगा। ये मुल्तानी मिट्टी और कुकुम्बर का एक तरह से मिक्स है। ये दो परफ्यूम्स, ये थोड़े ऐसे परफ्यूम्स हैं ना, लगाने के बाद मुझे ऐसा लगता है बाद में जब ये टाइम ज़्यादा था, 1 दिन हो गया पूरा 24 घंटे का, तो बदबू में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे, मेरा फेवरेट था, आजकल नहीं है। ये कुछ कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो हमें पहले पसंद आते हैं, बाद में हमें फेवरेट अच्छे नहीं लगते। ये है एलोवेरा पतंजलि का, ये भी मुझे उस टाइम जब मैं यूज़ करती थी तो मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगता था, और ये पता नहीं कब से पड़ा हुआ है, बहुत एक्सपायर हो गया। स्पावेक जब ये नया आया था शायद 3 साल पहले, तब से अभी रखा हुआ है, मुझे फेंकना है, उतना खास इफेक्ट इसने मुझे नहीं दिखाया। नेक्स्ट मेरा फेवरेट यो, आई वुड हाईली रिकमेंड हर स्किन टाइप के लिए, अगर आप 25+ हो तो ये वाला, ये वाला नो। इन दोनों के मेरे डिटेल रिव्यू वीडियो में है, और ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगी, गार्नियर बिल्कुल भी नहीं, ऑयली स्किन को तो बिल्कुल नहीं। ओले, सब लोग पूछते हैं वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए, ऑल स्किन टाइप के लिए और SPF, तो ये मेरा फेवरेट था और ये मेरा 10 साल से यही फेवरेट है। 10 साल से फेवरेट है मतलब कितना अच्छा होगा आप खुद जान सकते हो। इसका प्राइस 300 से लगाना शुरू किया था, आज की डेट में इसका प्राइस 370 या 380 पहुँच गया है। उसके बाद अगर आप अफोर्डेबल नाइट क्रीम ढूंढ रहे हो तो ये हिमालय रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम दी बेस्ट नाइट क्रीम। और ये है आपका अरोमा मैजिक का विटामिन सी, ये भी मुझे काफ़ी इफेक्टिव लगा था, इसे लिए हुए काफ़ी टाइम हो गया, डब्बा ऐसे ही पड़ा हुआ था। इसका प्राइस आप देख सकते हो। तो ये मेरा छोटू सा रिव्यू था, होप आपको पसंद आया होगा। और कुछ पूछना हो आपको इन प्रोडक्ट्स से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, बाय बाय। और सब्सक्राइब करिएगा, हो सके तो लाइक करिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आएगा तो। बाय बाय।